हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है सैफ और मैं एक फ्रीलांसर ग्राफिक डिजाइनर हूँ। आज की इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले फोटोशॉप में स्किन रिटचिंग कैसे करते हैं। काफी इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाली है नए डिजाइनर्स के लिए। जो डिजाइनर्स अभी काम करना स्टार्ट किए हैं उनके लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है, तो ये वीडियो को स्किप मत करना। ज्यादा देर ना करते हुए ओपन करते फोटोशॉप और बढ़ते इस वीडियो की तरफ। तो गाइज, आप जैसे कि देख रहे हैं फोटोशॉप में मैंने ऑलरेडी एक इमेज लेकर रखा हूँ, इसको हम रिटच करने वाले हैं। तो आप जैसे कि देख रहे हैं कि इसके फेस के ऊपर काफ़ी सारे डॉट्स हैं, तो इसको सबसे पहले तो हमको रिमूव करना पड़ेगा। तो इस बैकग्राउंड की हम एक कॉपी बनाकर ले लेते हैं। तो कंट्रोल जे प्रेस करके हमने एक लेयर बनाकर लिया है और यहाँ से हम एक टूल यूज़ करेंगे, स्पॉट हीलिंग टूल। आप जूम करके जहाँ पे आपको स्पॉट्स दिखाई दे रहे हैं उसको आप बस क्लिक करके यहाँ से रिमूव करना है। मैं इसको थोड़ा सा फास्ट में कर लेता हूँ ताकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो गाइज, जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने इसके ऊपर के स्पॉट्स पूरे तरह से रिमूव कर दिए। आप बिफोर और आफ्टर इमेज देख सकते हैं, काफ़ी सारे स्पॉट्स थे, मैंने इसको रिमूव करके थोड़ा सा तो मैंने इसको लेवल के अंदर ले लिया है। अब क्या करते हैं कि इस लेयर के हम दो कॉपीज और बनाएंगे। एक तो कंट्रोल जे करके आप इसको कर सकते हैं या तो फिर आल्ट प्रेस करके इस लेयर को ऊपर की तरफ ड्रैग करने से भी कॉपी तैयार होती है। तो मैंने दोनों मेथड अब यहाँ पे अप्लाई कर दिए। तो सबसे फर्स्ट वाला लेयर जो है इसको भी हम स्मार्ट ऑब्जेक्ट के अंदर कन्वर्ट करा देंगे। राइट क्लिक करना है आपको और इस लिस्ट के अंदर से कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट ये ऑप्शन को क्लिक करना है और सबसे फर्स्ट वाला लेयर जो है उसको हम अभी के लिए बंद करके रखते थे। इस लेयर के ऊपर आपको एक फिल्टर अप्लाई करना है जो कि फिल्टर मेनू के अंदर ब्लर ऑप्शन में गॉशियन ब्लर के अंदर आपको मिलेगा। जितनी अमाउंट आप इसकी बढ़ा देंगे उतना ये ब्लर करते जाएगा। तो ज़्यादा कम भी नहीं, ज़्यादा भी नहीं लेना है। आपके इमेज के हिसाब से आप जितना चाहे आप सिलेक्ट कर ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 6 पिक्सल्स का ऑप्शन सिलेक्ट किया है और मैं यहाँ पे ओके पे प्रेस कर देता हूँ। ये हो गया हमारा गॉशियन ब्लर अप्लाई। सेकेंड जो लेयर है हमने जिसको हाइड किया था उसको अभी ऑन करना है और लेयर को सिलेक्ट करके यहाँ से लेयर मेनू से आपको ब्लेंडिंग मोड चेंज करना है। इसका ब्लेंडिंग मोड आपको रखना है विविड लाइट। ध्यान से देखना, विविड लाइट मैंने अप्लाई किया है। यहाँ से फिल्टर मेनू में जाके इसके ऊपर हम अदर में जाके यहाँ पे एक हाई पास का ऑप्शन आता है, हाई पास को अप्लाई कर देंगे। आप मिनिमम 1.5 से 2.5 के बीच में आप रख दीजिए। मैंने यहाँ पे 2.0 पिक्सल्स का अप्लाई किया है। मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ। आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारा इसके अंदर से रिमूव हो चुका है स्पॉट्स वगैरह और स्किन में काफ़ी अच्छी शाइनी नज़र आ रही है। तो इसके ऊपर बस हमको एक काम करना बाकी है, इन दोनों लेयर को कंट्रोल प्रेस करके आपको सिलेक्ट करना है। राइट क्लिक करके आपको ग्रुप ऑफ लेयर्स, यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है, वो ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। ओके प्रेस करते इस ग्रुप के क्रिएट होने के बाद में आपको आल्ट प्रेस करके मास्क वाले ऑप्शन के ऊपर, एड लेयर मास्क ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। आल्ट प्रेस करने की वजह से ये इन्वर्ट मास्क यहाँ पे तैयार होगा। ये ब्लैक कलर आया है यहाँ पे, देख सकते हैं। यहाँ से ब्रश टूल सिलेक्ट करना है और हमको यहाँ से व्हाइट कलर सिलेक्ट करना है और जूम करके आप अपने हिसाब से इस स्किन को ब्रश करते जाए। देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे शाइन नज़र आएंगी और जो भी स्पॉट थे यहाँ से स्किन के ऊपर वो यहाँ से रिमूव होते हुए दिखाई देंगे। मैं थोड़ा सा फास्ट कर लेता हूँ यहाँ से ताकि आपको थोड़ा सा जल्दी समझ में आए और वीडियो भी ज़्यादा लंबी ना हो। तो जैसे कि आप देख सकते हैं स्किन के अंदर काफ़ी सारा फर्क आपको नज़र आता होगा। हम इस लेयर को डिसेबल करके बिफोर और आफ्टर आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये बिफोर है और ये आफ्टर हमने रीटच करने के बाद में ये दिख रहा है। इसको थोड़ा सा
आप ओपेसिटी कम करके थोड़ा सा नेचुरल लुक भी देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ओपेसिटी इसकी अराउंड 60 पिक्सल्स मैं यहाँ पे रख देता हूँ ताकि ये थोड़ा सा नेचुरल लगे। और ये रही आपकी स्किन रीटचिंग रेडी। आपको इसके लिप्स के कलर को थोड़ा सा शाइन या तो फिर कलर चेंज करना है या फिर आपको थोड़ा सा मेकअप टाइप कुछ करना है तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं इस लेयर को और कंट्रोल आर्ट शिफ्ट ई प्रेस करते हैं और इन दोनों लेयर्स को हाइड कर देते हैं। ये हमारी जो लेयर अभी आई है वो सबसे फ्रेश लेयर है। इसके ऊपर हम थोड़े से लेवल्स अप्लाई करेंगे। इमेज मेनू के अंदर जा करके लेवल्स कंट्रोल एल भी आप प्रेस कर सकते हैं। थोड़ा सा लेवल को एडजस्टमेंट करते ताकि इमेज थोड़ी सी अच्छी दिखे, लाइट अच्छी आए, थोड़ा सा ब्राइटनेस उसके ऊपर ऐड करते हैं। और ये रही हमारी इमेज। सेकंड हम यहाँ पे एक सॉलिड कलर का लेयर लेंगे जो कि है रेड कलर का और मास्क के ऊपर जाके हम कंट्रोल आई प्रेस करेंगे कि यहाँ पे ये इन्वर्स हो जाए और जूम करके हम यहाँ पे लिप्स के कलर को पेंट करेंगे। साइज एडजस्टमेंट कर ले आपके हिसाब से और इसके लिप्स को कलर कर ले। ब्रश की साइड्स आपको एडजस्ट करते रहना है ताकि इसको फिनिशिंग अच्छी आए। देखिए ये कॉर्नर रह गया था, मैंने इसको ब्रश की साइज छोटी करके अप्लाई कर दिया है। यहाँ से इसका मैं ब्लेंडिंग ऑप्शन सॉफ्ट लाइट सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको फिर से नेचुरल दिखाने के लिए थोड़ा सा मैं इसकी ओपेसिटी डाउन कर देता हूँ ताकि ये थोड़ा सा नेचुरल लुक लगे। सेकेंड इस लेयर की मैं एक कॉपी बना लेता हूँ और एक इसको सिलेक्ट करके मैं फिर से ब्लैक कलर ले लेता हूँ और इन लिप्स के ऊपर मैं फिर से ब्रश कर देता हूँ। सेकेंड अब मुझे थोड़ा सा यहाँ पे ग्लो चाहिए जो कि है पिंक कलर का, तो मैं यहाँ से पिंक कलर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। थोड़ा सा पिंकिश टाइप में कलर लेता हूँ और यहाँ पे बस कुछ नहीं करना, आपको ब्रश सिलेक्ट करना है, कलर मोड के अंदर व्हाइट कलर सिलेक्ट कर लेना आपको और यहाँ पे मास्क में जाके यहाँ पे आपको बस एक क्लिक कर देना है। और ये रहा आपका इफेक्ट रेडी। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होंगी। ऐसे और भी काफी वीडियोस मैं लेके आने वाला हूँ, तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।